कॉमर्स क्लासेस हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर 6 दैट इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स ऑफ अकाउंट बेसिकली ठीक है हियर वी स्टडी टू अप्रोचेस वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच सेकंड वन इज मॉडर्न अप्रोच वी विल स्टडी मॉडर्न अप्रोच इन आवर नेक्स्ट वीडियो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द ट्रेडिशनल अप्रोच एवरीवेयर इन अकाउंट्स वी हैव टू साइड्स वन इज लेफ्ट साइड वन इज राइट साइड सो एवरीवेयर लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड द राइट साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड ठीक है अब कोई भी एंट्री होगी अंडर डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल वी रिकॉर्ड बोथ द साइड्स ऑफ ईच ट्रांजेक्शन सब ट्रांजेक्शन की हम दोनों साइड रिकॉर्ड करते हैं कि क्या आया और बदले में क्या गया ठीक है तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हमारे पास 3 अकाउंट होंगे पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट सबसे पहले हम इन्हें क्लासिफाई करेंगे रियल अकाउंट इज व्हाट रियल अकाउंट इज समथिंग व्हिच कैन बी टच व्हिच कैन बी सीन व्हिच कैन बी सोल्ड और परचेज कोई भी ऐसा एसेट जिसको हम सेल कर सकते हैं परचेज कर सकते हैं टच कर सकते हैं दीज आर कॉल्ड आर रियल एसेट्स अब कौन से हो सकते हैं हमारी मशीन हो सकती है फर्नीचर हो सकता है गुड्स हो सकती है कैश हो सकता है वगैरह वगैरह ये सब चीजें हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ठीक है तो हर वो चीज जिसको टच किया जा सकता है सेल परचेज किया जा सकता है एसेट की फॉर्म में वो हमारा रियल अकाउंट होगा ठीक है अब रियल अकाउंट के अंदर हमारे पास कुछ सामान आएगा या जाएगा तो रूल ऑफ रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन जो चीज आ रही है वो डेबिट में रिकॉर्ड की जाती है और जो चीज जा रही है वो क्रेडिट के अंदर रिकॉर्ड की जाती है जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं कोई भी एग्जांपल अगर हम लेते हैं सपोज परचेज का तो अगर हमने परचेज किया है मशीन परचेज किया है ठीक है तो मशीन आई है तो मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि मशीन आ रही है एज पर द रूल मशीन इज कमिंग सो डेबिट इज व्हाट कम्स इन एंड जा क्या रहा है टू कैश अकाउंट जा क्या रहा है हमारी तरफ से कैश तो जो चीज जा रही है दैट इज क्रेडिट डेबिट व्हाट कम्स इन ठीक है एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फाइन चलिए नेक्स्ट वी कम टू नॉमिनल अकाउंट अब नॉमिनल अकाउंट इज व्हाट नॉमिनल अकाउंट इन द नेम ऑफ अगर हम नॉमिनल को पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड इन द नेम ऑफ किसी चीज के नाम पे हमें सेल के नाम पे डिस्काउंट मिला कैपिटल के नाम पे बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया गया ठीक है मीन्स किसी भी चीज के नाम पे अगर हमारे पास कोई भी लॉस या गेन होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग हम नॉमिनल अकाउंट के अंदर करते हैं अब नॉमिनल के अंदर ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर रिकॉर्डेड एज डेबिट हमें किसी भी वजह से हमने डिस्काउंट अलाउ किया है तो उसकी वजह से मुझे लॉस हुआ अब सेल की थी 1000 रुपीज की सेल की थी अब उसमें मुझे 900 ही रिसीव हुए हैं इन फुल सेटलमेंट तो 100 रुपीज तो कम आए ना तो 100 का तो मुझे लॉस हो गया तो सेल के नाम पे मुझे 100 रुपीज का लॉस हो गया तो दैट इज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड अंडर द अकाउंट ऑफ नॉमिनल ठीक है और अगर यही परचेज के केस में हुआ होता तो इस 100 रुपीज का मुझे गेन हो गया होता और फिर हम उसी डिस्काउंट को हम डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से क्रेडिट के अंदर एंटर करते ठीक है तो एंट्री इज ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट हियर एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट हियर ठीक है नाउ कम टू पर्सनल अकाउंट पर्सनल यहाँ पे पर्सन आ गया पर्सन मीन्स कोई इंडिविजुअल हो सकता है कोई ह्यूमन बीइंग नेचुरल पर्सन हो सकता है कोई आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स कोई कंपनी कोई फर्म कोई एचयूएफ कोई भी ठीक है और हमारे पास एक उसका रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है तो पर्सनल अकाउंट इज क्लासिफाइड इनटू 3 अकाउंट्स वन इज नॉर्मल नेचुरल ह्यूमन बीइंग सेकेंड वन इज रिप्रेजेंटेटिव ठीक है एंड थर्ड वन इज आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल के अंदर हमारी कंपनीज फॉर्म्स वगैरह ये सब आती हैं ठीक है तो पर्सनल के अंदर अब जैसे ही पर्सन आ गया तो पर्सन का मतलब हमारे पास कोई दे रहा है या ले रहा है ठीक है अब यहां पे क्या होगा डेटर द रिसीवर जो भी रिसीव करेगा जो भी गुड्स को रिसीव करेगा वो हमारा यहाँ पे डेटर बोला जाएगा और जो पेमेंट करेगा जो अपना सामान देगा दैट इज क्रेडिटर
ठीक है, डेटर द रिसीवर, क्रेडिटर द गिवर, फाइन। अगर सपोज हम कोई भी, हमने यही मशीन वाला एग्जांपल, हम मशीन परचेज लेते हैं, परचेज की है हमने मशीन, और ये मशीन क्रेडिटर कब इन्वॉल्व होगा, जब ट्रांजेक्शन हमारी कैश में नहीं हुई होगी। अगर हमारी ट्रांजेक्शन कैश में हुई होगी तो हमने एक्स वाई जेड किसी भी पर्सन से सामान लिया है, इट डजंट मैटर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उस पर्सन को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। द ओनली टू थिंग्स वी हैव टू रिकॉर्ड इज गया क्या है, आया क्या है, दैट्स ऑल। ठीक है, अब हमारे पास जब यहाँ पे बोला गया है कि कैश में ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, क्रेडिट में ट्रांजेक्शन हुई है, तब हमें उस पर्सन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उस पर्सन का नाम हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास मशीन तो आई है, तो मशीन तो डेबिट ही रहेगी, मशीन क्या है, गुड्स, रियल अकाउंट के अंदर आती है, तो वो तो डेबिट ही रहेगी। ठीक है, अब दी किसने है, बदले में कैश तो गया नहीं है, तो दी किसने है, फिर हम पर्सन को इन्वॉल्व करेंगे। तो पर्सन, सपोज हमने एबीसी लिमिटेड से खरीदी थी, आर्टिफिशियल पर्सन, फाइन, यहां पे हमारी एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू एबीसी लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि हमारी ट्रांजेक्शन जो है वो क्रेडिट में हुई है। जैसे ही किसी पर्सन का नाम आता है, वैसे ही अगर हमें दिया गया, अगर हमें स्पेशली मेंशन किया गया है कि ट्रांजेक्शन कैश में हुई है, तो हम कैश को ही कंसीडर करते हैं, हमने किससे ली है, कौन पर्सन है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सिर्फ नाम दिया है और हमें कैश के बारे में नहीं बोला गया है, इट मींस वो ट्रांजेक्शन हमारी क्रेडिट में हुई है, और फिर हमें उस पर्सन के नाम को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सपोज यही अगर हमने सेल की होती, यही मशीनरी अगर हमने, या हमने गुड सेल की होती इसी एबीसी लिमिटेड को, तो या हमने किसी राम श्याम किसी को भी की होती, सपोज हमने राम को की है, तो राम कौन हो गया, रिसीवर, हमने क्या बोला था, डेटर द रिसीवर, तो राम को किस में लिखेंगे, डेबिट में, टू किसके नाम पे, सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट हमारा कौन सा होगा, सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, सेल के नाम पे पैसा आता है, ठीक है, परचेज के नाम पे पैसा जाता है, तो ये वो अकाउंट है जो हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, अब राम के सामने हमने अकाउंट वर्ड नहीं यूज किया, क्यों, हम कभी भी नेचुरल पर्सन के सामने हम अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते, हम अकाउंट वर्ड हमेशा, अगर पर्सनल भी है, पर्सनल अकाउंट भी है, तो पर्सनल अकाउंट में हमारा जो आर्टिफिशियल पर्सन है उसके साथ हम अकाउंट यूज करते हैं, लेकिन अगर रिप्रेजेंटेटिव भी है और वो एक नेचुरल पर्सन है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, तो उसके सामने हम कभी भी अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते, उसको हम सिंपली राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर। अब एक एंट्री हम इसकी भी देख लेते हैं नॉमिनल अकाउंट की। अब नॉमिनल अकाउंट की एंट्री हमारे पास क्या होगी, सपोज मैंने सेल की है, तो सेल के केस में अगर मैंने कुछ सेल किया है, गुड्स सेल की हैं, हम मैंने सपोज एक्स वाई जेड पर्सन को की है, और सेल मेरी थी, सेल है, तो हमारे पास क्या होगी, इनकम होगी ना, और इनकम है तो क्या होगा, क्रेडिट, तो हम इसको क्रेडिट में लिखेंगे। टू सेल्स सपोज मेरी 1000 की हुई है, टू सेल्स अकाउंट, फाइन। बदले में आया क्या है, बदले में सपोज मेरे पास कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट, अब जो आया है रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग वो डेबिट रहेगा, सपोज 900 रुपीज आए हैं, तो यहाँ पे गैप आ गया ना, 100 रुपीज का गैप आ गया, अब उस 100 रुपीज को गैप को कैसे फुलफिल करोगे, डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब ये डिस्काउंट अकाउंट क्या है, ये डिस्काउंट कैश हमारी कौन सी थी, रियल अकाउंट थी, सेल हमारी नॉमिनल है, सेल के नाम पे ही तो कैश आया है, फाइन। अब ये डिस्काउंट अकाउंट, सेल के नाम पे ही मुझे लॉस भी बियर करना पड़ा, सेल मेरी 1000 रुपीज की हुई थी, 1000 आने चाहिए थे ना, लेकिन 1000 के बदले में आए कितने हैं, सिर्फ 900, तो 100 रुपीज का गैप, 100 रुपीज कम आए ना मेरे पास, अब 100 रुपीज कम आए तो मुझे लॉस हुआ 100 का, किसके नाम पे लॉस हुआ, डिस्काउंट के नाम पे। ठीक है, तो उसको हम इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, फाइन, इसलिए हमने इस डिस्काउंट को यहाँ पे डेबिट लिखा है। एक और चीज,
ये हमारा पर्सनल अकाउंट है और ये दोनों अकाउंट अगर हम इसको यहां पे लेते हैं, इसको हम इम्पर्सनल अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में अगर टीएस ग्रेवाल को हम रेफर करते हैं तो उसमें ये पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट के फॉर्म में दे रखे हैं और इम्पर्सनल अकाउंट को रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई कर रखा है। पर्सनल अकाउंट को नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नेचुरल ह्यूमन बीइंग, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव में क्लासिफाई कर रखा है, तो वो कुछ नहीं है, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मेनली हमारे पास यहाँ पे तीन अकाउंट होते हैं और तीनों अकाउंट को हम इस तरह से ट्रीट करते हैं। ओके, होपफुली कुछ सीखा होगा आपने। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।